ऑडियंस को भी पता है, आपको भी पता है कि धैर्य और संतोषी के बीच कुछ अनबन चल रहा है तृष्णा की वजह से। तो मेरा एंट्री हुआ है ये जो टसल है, ये जो नेगेटिविटी है उसको और बढ़ावा देने, इनके ये जो लाइफ में और कॉम्प्लिकेशन ऐड करने के लिए। ये जो मेरा कैरेक्टर है इसका नाम है कामिनी, मैंने ये शो एंटर किया है। तो ये जो सीन भी आपने देखा शूट होते हुए, इसमें भी क्या है कि ये जो बहस हो रहा है, ये जो अनबन है इसको मैं बढ़ावा देने के लिए, मैं संतोष जी को जानते हुए भी ज़बरदस्ती उसको नौकरानी बोलती हूँ, और मैं धैर्य को ये ऐसा दिलाना चाहती हूँ कि संतोषी आपके लिए फिट नहीं है, आप तृष्णा के और जाओ, तृष्णा ही आपके लिए मतलब बेहतर चॉइस होगी। मैं जब शो में आई हूँ तृष्णा की मम्मी बन के, तो मैं तृष्णा को 100% सपोर्ट करूँगी। देखिए ये जो संतोषी माँ जो शो है, ये ज़्यादातर भगवान पूजा ये सब मतलब वर्चुज में वैल्यूज़ के ऊपर बेस करके अभी तक हुआ है। ये जो पॉलोमी ने जो ये तृष्णा को, फिर ये जो कामिनी को इनको भेजा है, ये तो इसका मतलब कि शो में एक अलग एक कैरेक्टर लाने की इंट्रोड्यूस करने की कोशिश है। ये एक अलग फ्लेवर देंगे, तो मैं आशा करूँगी कि ऑडियंस को ये नया जो है ये पसंद आएगा। ये उसको ये कहना चाहूँगी कि इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप अपने हिसाब से छोटे से छोटे की तरीके से भी आप बेटर सिटीज़न बनने की कोशिश करो, ताकि जैसे हम लोग हमेशा सोचते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रहा है, लेकिन ये हम लोग बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि हम नेशन के लिए क्या कर सकते हैं। हम लोग अपने हिसाब से अपना बिल्डिंग से शुरू करके अपने नज़दीक पे जो रास्ता है वहाँ से शुरू करके हमारा जो नेबरहुड का, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, और हमें विश्वास है कि हम अगर चाहेंगे तो हम हमारा कंट्री को और भी अच्छा।